जन्माष्टमी पर दादी सा ने अरमान अबीरा में देखी राधा कृष्ण की झलक और यहीं पर आएगा सीरियल ये रिश्ता के कहलाता है में जबरदस्त ट्रैक। दोस्तों अपकमिंग ट्रैक में अबीरा जो है जन्माष्टमी की जिम्मेदारी जो है यहाँ पर दादी सा से ले रही है। रूही पूरी कोशिश करेगी अबीरा के काम को बिगाड़ने की, लेकिन इस बार मनीषा रखने वाली है रूही पर पूरी पूरी नजर। और दोस्तों यहाँ पर अबीरा बहुत ही प्यारा डेकोरेशन, बहुत ही प्यारा सा भगवान का प्रसाद और सब कुछ बनाते हुए नजर आने वाली। दोस्तों अपकमिंग ट्रैक में दादी सा आएगी और देखते हुए नजर आने वाली कि उस लड़की से हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही पूरे घर को यहाँ पर जो है राधा कृष्ण की झांकी में सजा हुआ देख लेगी यहाँ पर दादी सा खुश शॉक्ड हो जाएगी और यहाँ पर भगवान की तरफ देखेगी तो वहाँ पर 56 भोग की थाली जो है रखी होने वाली। दोस्तों कमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे यहाँ पर दादी सा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी, अभी आएगी दादी सा के पैर छुएगी और दादी सा कहते हुए नजर आने वाली वाह लड़की वाह शाबाश, उम्मीद तो नहीं थी लेकिन तुमने वास्तव में बहुत अच्छा कुछ किया है, अब तुम जाओ जल्दी से यहाँ पर जो है राधा कृष्ण कौन बन रहा है। और यहाँ पर मनीषा कह देगी जब तैयारी अभिनय ने की है तो अरमान और अभिरा ही जो है राधा कृष्ण बनेंगे। दोस्तों कमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे अरमान और अभिरा राधा कृष्ण बन के आने वाले, जहां पर दोस्तों बीच में बहुत प्यारा सा झूला लगा होगा, सभी लोग डांस करते हुए नजर आने वाले और इसी बीच अरमान और अभिरा राधा कृष्ण बनके उस झूले में बैठेंगे और बहुत प्यारे से यहाँ पर झूला झूल रहे होंगे। दोस्तों कमिंग ट्रैक में पूरे घर को यहाँ पर जन्माष्टमी के धुन में यहाँ पर खुशी मनाते हुए देख दादी से यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और यहाँ पर अभिरा और अरमान की तरफ देखेगी तो उन्हें दो पल के लिए ऐसा लगने वाला है कि जैसे मानो साक्षात यहाँ पर साक्षात जो है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद जो है राधा जी के साथ जो है उनके घर में जो है आए हैं। दोस्तों कमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे यहीं पर दादी से यहाँ पर खुश हो जाएगी, दादी से आंखों से आंसू आ जाएंगे, दादी से को यहीं पर एहसास होने वाला है कि वास्तव में अभिरा ही उनके घर के लिए बेस्ट बहू है।